नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक्स जीनोडॉग ऑइंटमेंट। जीनोडॉग ऑइंटमेंट जो है ये भी महिलाओं के लिए है, उनकी वेजिनल हेल्थ यानी कि योनि की त्वचा को मेंटेन करने के लिए। क्या होता है कि जब मासिक धर्म के दौरान स्पेशली महिलाओं के क्या जो योनि की त्वचा होती है वहां का जो पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, वो नियंत्रित नहीं रह पाता, बैलेंस में नहीं रह पाता है। तो जीनोडॉग ऑइंटमेंट जो है आपके पीएच बैलेंस को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करता है, ताकि आपकी त्वचा के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या जैसे ड्राइनेस है, खुजली है या फिर रैशेज जैसी समस्या आ रही है तो वो सब प्रॉब्लम्स ना हो, उनसे आपको बचाने में मदद करता है, आपकी स्किन को जो है नमी प्रदान करता है। जीनोडॉग ऑइंटमेंट का जो हमने यूज करना है कैसे करना है, आप पानी ले लीजिए, पानी यानी कि जो आपका मग होता है जैसे कि नहाते टाइम जो आप मग यूज करते हैं उतनी क्वांटिटी में आप पानी ले लीजिए, और उस पानी के अंदर आप 10 से 20 बूंदे जो है जीनोडॉग ऑइंटमेंट की डाल लीजिए। उसके बाद उसको मिक्स कर लीजिए और जो आपकी योनि की त्वचा है वहां से आप उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है एक्स वीट ग्रास पाउडर। वीट ग्रास पाउडर देखिए ये भी बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट बन चुका है, सोशल साइट्स पे आप हर जगह पे वीट ग्रास का नाम जरूर सुन रहे होंगे। इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है जो कि आपके पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, जैसे विटामिन ए, सी, ई, आयरन और कैल्शियम। ये क्या करते हैं आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल, उसको नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की अंदरूनी सूजन हो रही है तो उस सूजन को भी कम करने में वीट ग्रास पाउडर आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है, और जो आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मात्रा को भी बढ़ाने में आपके शरीर में हेल्प करता है। और इसका एक और यूज है वीट ग्रास पाउडर का, वो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है तो वहां पे भी वीट ग्रास पाउडर जो है आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल जो एक्स वीट ग्रास पाउडर है आपके शरीर के लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसका जो हमने सेवन करना है, खाना खाने से पहले आपने सेवन करना है 2 बार दिन में 2 से 5 ग्राम और 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक्स हर्बल हैंड वॉश। हैंड वॉशेस देखिए हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे हाथ जो है वो अच्छे से साफ होते रहे, किसी भी प्रकार की गंदगी, धूल, मिट्टी, पसीना उस पे ना रहे। क्योंकि देखिए अगर हमारे हाथ साफ नहीं है तो हम बीमार जो है बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हाथों से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए अपने हाथों को साफ रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक्स हर्बल हैंड वॉश जो है यही काम करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है पूरे तरीके से हर्बल हैं, जैसे कि मधु यानी कि हनी यानी कि शहद, तुलसी है, नीम है, पुदीना है। ये क्या करते हैं आपके हाथों में किसी भी प्रकार के जर्म्स जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, पसीना है, तो उन सभी को साफ करने में, खत्म करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपके जो हाथों की त्वचा होती है उनके ऊपर नमी भी बनाए रखता है, किसी भी प्रकार की ड्राइनेस जो है आपके हाथों के ऊपर नहीं होने देता। हर्बल हैंड वॉश जो है इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली जैसे आप अपने घरों में हैंड वॉशेस यूज करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, अच्छे से अपने हाथों के ऊपर यूज कीजिए, लेदर कीजिए, कवर कीजिए अपने उंगलियों और नाखून को और पानी के साथ वॉश कर लीजिए। और दूसरा तरीका है अगर आपके पास पानी नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम वे में प्रोडक्ट ले लीजिए अपने हाथों के ऊपर, यूज कीजिए, लेदर कीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास टिश्यू या फिर पेपर है तो उससे भी आप इसको साफ कर सकते हैं, आपको सेम जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जर्मीडॉग स्प्रे। जर्मीडॉग स्प्रे जो है देखिए आपके घरों के सर्फेसिस के लिए है। अब कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी बॉडी के जो है हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर के सर्फेसिस होते हैं जैसे शेल्फ है, टेबल है, चेयर है, बेड रेस्ट है या फिर जो आपके दरवाजे के हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं हाइजीन मेंटेन करने से। तो वहां पे जर्मीडॉग स्प्रे जो है आपकी मदद करता है, किसी भी प्रकार के हार्मफुल जर्म्स अगर हो गए हैं उनके ऊपर, उन सर्फेसिस के ऊपर, तो उन तत्वों को खत्म करने में जो है आपकी मदद करता है, ताकि आपका सर्फेस पूरे तरीके से हाइजीन रह सके, किसी भी प्रकार की समस्या है जो उसको यूज करने से आपको ना आए। जर्मीडॉग स्प्रे का जो है हमने यूज करना है बिना पानी के यूज करना है। कैसे करना है, जो भी आपका सर्फेस है जैसे टेबल है या फिर शेल्फ है, आप उसके ऊपर प्रोडक्ट को ओपन कीजिए और स्प्रे कीजिए। स्प्रे करके आप थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए, कुछ ही सेकेंड्स में जो है आपका जो एरिया है वो ड्राई
ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो पूरे तरीके से हाइजीन हो जाएगा आपके यूसेज के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है XTS डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे। टॉयलेट सीट स्प्रे जो है आपकी टॉयलेट सीट के लिए है, जो हम दिन में काफी बार यूज करते हैं, और अगर आपकी टॉयलेट सीट जो है साफ नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो आपके क्या है बीमार होने के जो परसेंटेज है, चांसेस है, वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है आपकी टॉयलेट सीट। तो वहां की हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो टॉयलेट सीट स्प्रे जो है इसी में आपकी मदद करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं नीम और लेमन, लेमन यानी कि नींबू। तो नीम क्या करता है, कोई भी किसी भी प्रकार के जर्म्स यानी कि हार्मफुल बैक्टीरियाज अगर आपके टॉयलेट सीट के ऊपर हो रहे हैं तो उनको अच्छे से पूरे तरीके से खत्म करने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ जो नींबू होता है आपकी टॉयलेट सीट के लिए एज अ ब्लीच काम करता है। किसी भी प्रकार की गंदगी अगर आपकी टॉयलेट सीट के ऊपर हो रही है तो उस गंदगी को अच्छे से साफ करने में आपकी मदद करता है। टॉयलेट सीट स्प्रे का भी जो हमने यूज करना है बिना पानी के ही यूज करना है। क्या करना है, आप जो आपकी टॉयलेट सीट है उसके ऊपर आप बॉटल को ओपन कीजिए और स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद मात्र 5 सेकंड के लिए आप रुक जाइए। 5 सेकंड के बाद आपके पास अगर कोई साफ कपड़ा या फिर टिश्यू है उसके साथ जो है अपनी टॉयलेट सीट के को साफ कर लीजिए स्प्रे करने के बाद, तो आपकी सीट जो है पूरे तरीके से साफ होगी, हाइजीन होगी आपके यूज के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक्स एफबी डॉग ऑइंटमेंट फ्रूट एंड वेजी वॉश। ये है देखिए आपकी फल और सब्जी के लिए। अभी क्या होता है कि जो हम बाहर से परचेज करते हैं फल और सब्जी जो भी आप लाते हैं बाजार से, वो जब हम वॉश करते हैं साफ पानी से अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाती है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ प्रकार के जर्म्स और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स जो उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से अगर अच्छे से साफ नहीं होंगे तो आपका कई बार जैसे पेट खराब होने की समस्याएं आपको आ जाती है। तो इस वजह से फल और सब्जी जो होता है उनके ऊपर जो जर्म्स या फिर कीटनाशक होता है उनका हटना, उनका खत्म होना जरूरी होता है, जिसमें आपकी फ्रूट एंड वेजी वॉश आपकी मदद करता है। इसको आपने यूज कैसे करना है, बाल्टी ले लीजिए, उसको जो है उसके अंदर पानी डाल लीजिए, तकरीबन जैसे आधी बाल्टी आप कर लीजिए पानी के साथ, उसके अंदर 5 से 10 ml जो है फ्रूट एंड वेजी वॉश का आप डाल लीजिए। उसके बाद जो आपकी फल और सब्जी है उसको सोक कर लीजिए, उसको उसमें रख दीजिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद जो है अपनी फल और सब्जी को निकालिए और जो आपका साफ पानी है उससे आप धो लीजिए या फिर 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर छोड़ दीजिए और निकाल लीजिए। पूरे तरीके से जो आपकी फल और सब्जी है जो हाइजीन होगी, किसी भी प्रकार का जर्म या फिर कीटनाशक उसके ऊपर नहीं रहेगा। एक बात आपने ध्यान में रखना है कि जो भी फल और सब्जी आपने इसमें वॉश करनी है वो पूरा होना चाहिए, मतलब कि आधा कटा या फिर पीसीज में नहीं डालना है हमने। जैसे आप परचेज करके लाते हैं सबसे पहले इसी में आपने वॉश करना है, तो फल को काट के या फिर आधा अधूरा करके हमने वॉश नहीं करना है।